उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में गुरुवार की सुबह 1 लाख के इनामी बदमाश को एसटीएफ ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। अभी इस मामले को एक दिन भी नहीं बीता था कि सूबे में विपक्षी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सियासत शुरू कर दी। अखिलेश यादव ने मारे गए बदमाश की जाति को लेकर यूपी की योगी सरकार पर जातिवाद का आरोप लगाते हुए डकैती में शामिल अन्य बदमाशों को लेकर योगी सरकार पर तंज कसा था और कहा था कि डकैती में शामिल लोगों का सत्ता पक्ष से गहरा संबंध था। तभी दिखावटी एनकाउंटर में सिर्फ जाति को देखकर जान ली गई। तो वहीं अब इस मामले पर अखिलेश यादव को चंद्रशेखर आजाद रावल का भी साथ मिल गया है। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष अखिलेश यादव के इस बयान को निराधार बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव को भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावल का साथ मिलना अपने आप में एक बड़ी बात मानी जा रही है। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने अखिलेश यादव का साथ देते हुए एक्स पर लिखा कि सुल्तानपुर में सराफा कारोबारी डकैती के मामले में आरोपी जौनपुर निवासी मंगेश यादव के एनकाउंटर पर आरोपी की मां द्वारा उठाया गया सवाल चिंता का विषय है। एनकाउंटर शासनिक हत्या का साधन बन गया है। शासनिक हत्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में प्राप्त जीवन की आजादी के मौलिक अधिकार की भी हत्या है। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से मामले को संज्ञान में लेकर उच्च स्तरीय न्यायिक जांच कराने का निवेदन करता हूं। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सुल्तानपुर एनकाउंटर पर सवाल खड़े करते हुए योगी सरकार पर जातिवाद का आरोप लगाया था और कहा था कि लगता है सुल्तानपुर की डकैती में शामिल लोगों से सत्ता पक्ष का गहरा संपर्क था, इसीलिए तो नकली एनकाउंटर से पहले मुख्य आरोपी से संपर्क साधकर सरेंडर करा दिया गया और अन्य सपक्षीय लोगों के पैरों पर सिर्फ दिखावटी गोली मारी गई और जात देखकर जान ली गई। जब मुख्य आरोपी ने सरेंडर कर दिया है तो लूट का सारा माल भी पूरा वापस होना चाहिए और सरकार को मुआवजा अलग से देना चाहिए, क्योंकि ऐसी घटनाओं का जो मानसिक आघात होता है उससे उबरने में बहुत समय लगता है, जिससे व्यापार की हानि होती है, जिसकी क्षतिपूर्ति सरकार करे। नकली एनकाउंटर रक्षक को भक्षक बना देते हैं। समाधान नकली एनकाउंटर नहीं, असली कानून व्यवस्था है। भाजपा राज अपराधियों का अमृतकाल है। जब तक जनता का दबाव व आक्रोश चरम सीमा पर नहीं पहुंच जाता है, तब तक लूट में हिस्सेदारी का काम चलता रहता है और जब लगता है जनता घेर लेगी तो नकली एनकाउंटर का ऊपरी मरहम लगाने का दिखावा होता है। जनता सब समझती है कि कुछ लोगों को बचाया जाता है और कैसे कुछ लोगों को फंसाया जाता है, घोर निंदनीय। आइए अब जान लेते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। दरअसल सुल्तानपुर में एक सराफा व्यापारी की दुकान पर डकैती डालने वाले मंगेश यादव का गुरुवार की सुबह एसटीएफ ने एनकाउंटर कर दिया था, जिसमें 1 लाख के इनामी मंगेश यादव की गोली लगने से मौत हो गई थी। इस एनकाउंटर के दौरान उसका एक साथी भाग निकला। आपको बता दें कि बीते 28 अगस्त को सुल्तानपुर शहर के ठटेरी बाजार में भरत जी सराफा के यहाँ दिन दहाड़े करोड़ों की लूट हुई थी। भारत समाचार की डिजिटल डेस्क से मानवेंद्र सिंह।